लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। दर्शकों, प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन मंगलवार को इंदौर में एक योजना समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे और उन्होंने किन किन मुद्दों पर चर्चा की, आइए दिखाते हैं इसी पर न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट। गृह मंत्री बाला बच्चन मंगलवार को रेसिडेंसी कोठी में योजना समिति की बैठक लेने इंदौर पहुंचे थे। योजना समिति की बैठक में शामिल होने शहर आए गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था पर खुद की सरकार की पीठ थपथपाते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल के 2017 और 18 के मुकाबले खुद की स्थिति बेहतर बताई। बैठक के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं को जाना। बातों ही बातों में वो भ्रष्ट अधिकारियों और अफसरों को भी चेतावनी दे गए। बिजली विभाग के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। गृह मंत्री बाला बच्चन ने बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान मीडिया ने मंत्रियों के आयोजन में बिजली गुल होने को लेकर सवाल पूछ लिया। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री की लगभग पूरी बैठक अंधेरे में हुई थी, इसी को लेकर मीडिया ने बाला बच्चन से सवाल पूछ लिया। इस मामले में बाला बच्चन का कहना था कि ऐसी बैठक में लाइट नहीं जानी चाहिए। इस मामले में उन्होंने चर्चा की बात कही है। उनका कहना है कि यदि ये जानबूझकर किया जा रहा है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। पहले की कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने सभी बिजली अफसरों को चेतावनी दी है। आज की समीक्षा बैठक में हम इस पे भी चर्चा करेंगे और इस पे अगर जानबूझ के कहीं अगर ऐसा किया जा रहा है कृत्य अधिकारियों के द्वारा जिनके हाथों में बिजली का काम है, हम उन पे ध्यान देकर उस समस्या को अपने संज्ञान में लेकर जैसे पहले दंडित किए हैं कुछ कर्मचारी अधिकारी बिजली से संबंधित और लापरवाही और इस तरह के कृत्य करने से, अगर और भी कुछ इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है तो हम वो करेंगे। बाला बच्चन बोले, एक एक से मिलूंगा। गृह मंत्री के आने की खबर के बाद आयोजन स्थल के बाहर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी गृह मंत्री बाला बच्चन से मिलने आए थे, लेकिन भीड़ बहुत होने के कारण और सुरक्षा व्यवस्था के चलते सभी को बाहर रोक दिया। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि एक एक से मिलूंगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा, मैं हर एक व्यक्ति से मिलूंगा। मैं मिलने के लिए 2 घंटे से खड़ा हूं और मुझे 2 घंटे खड़े रहना होगा और खड़ा रहूंगा। मैं जनता को परेशान नहीं होने देंगे, एक एक को हम सुनेंगे। तबादलों पर भी बोले गृह मंत्री। बैठक के दौरान तबादले कब रुकेंगे वाले सवाल पर गृह मंत्री बोले कि तबादले रूटीन प्रोसेस है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2003 में भारत की सरकार सत्ता में आई थी। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड उठाकर देखना। उन्होंने कहा कि जैसा व्यवस्था में परिवर्तन होगा हम वैसा परिवर्तन करेंगे। तबादले एक रूटीन प्रोसेस है। तबादले इतने तबादले करने से नहीं, तबादले हुए कहाँ हैं सर? आपका विश्वास है कि रोज तबादले, रोज लिस्ट जारी हो रही है, इतने तबादले करने से आप सारी व्यवस्था को सही कर देंगे? आप सुनिए, पहले दिसंबर 2003 में सरकार चेंज हुई थी, भाजपा की सरकार आई थी, उनका रिकॉर्ड उठाकर देखना। तबादले एक रूटीन प्रोसेस है और जो विद इन डिस्ट्रिक्ट 5 तारीख तक का टाइम दिया है, जो बैन जो ओपन किए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो 5 तारीख तक है, 5 तारीख तक का। और मुझे इस बताओ, इसके पहले इंदौर विद इन डिस्ट्रिक्ट किसका ट्रांसफर हुआ है? मतलब कहाँ ट्रांसफर हुए हैं? 5 जुलाई तक के तबादले होते रहे। जो बैन ओपन है, ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की जो जरूरत है, जहाँ जैसी आवश्यकता उसको करेंगे। सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा का असली चरित्र आया बाहर। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सरकार से बाहर होने के बाद भाजपा का असली चरित्र और चेहरा बाहर आया है। भाजपा कितनी बड़ी सोच रखती है उसके सरकार से बाहर जाने के बाद पता चल गया। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता ने हमें जो काम सौंपा है उसका सफल संचालन कैसे होता रहे, हम केवल इस पर ध्यान दे रहे हैं। भाजपा सरकार से बाहर होने के बाद भाजपा का सोच और कितना बड़ा सोच रखती है, वो सब सरकार से बाहर होने के बाद उनका असली चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है।
लेकिन हमको उसमें ज़्यादा जाना नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में हम लोगों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से उसका निर्वहन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसका अंजाम मंदसौर कांड, रतलाम कांड, इंदौर कांड और बड़वानी कांड में जिनने कानून हाथ में लिया वो सब आज जेल में है। उन्होंने कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं है। पुलिस का मनोबल, मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है, कोई तोड़ नहीं सकता है। और जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके हाल वैसे ही होंगे जैसे मंदसौर कांड, रतलाम कांड, इंदौर कांड, बड़वानी के कांड में जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था और आज वो सब जेल के सिकंजों में। कानून से कोई बड़ा नहीं है, इसलिए जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगी और पुलिस से और कानून से कोई बड़ा नहीं है। ड्रग्स को लेकर भी सरकार कर रही है काम। इस दौरान मीडिया की तरफ से ड्रग्स एडिक्शन और अपराध वाले सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि उनकी और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है जिसमें इस विषय पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि रीवा में कोरेक्स और इंदौर में अन्य नशीले पदार्थों को लेकर चर्चा की जा रही है और इसे पूरी तरह से रोकने की बात भी उन्होंने कही। इस मामले में उन्होंने काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने थानेदार द्वारा आम जनता की कोई उपेक्षा नहीं होने देने वाली बात भी कही है। इससे संबंधित मेरी पुलिस विभाग की समीक्षा मीटिंग चल रही है। मैंने लोकसभा के पहले इंदौर आईजी जोन से मैंने इसको स्टार्ट किया था। अभी 20 तारीख को रीवा की मैंने बैठक की है और 22 तारीख को उज्जैन संभाग की बैठक हुई है। उधर रीवा तरफ बात कोरेक्स की आई है और इधर जो बात आपने अभी जो की है इसमें हम लोग कसावट कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की इस तरह की जो बात आ रही है हम इसमें कसावट करेंगे और हम इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और इसमें जो भी अगर शामिल होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आने वाले बजट में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मीडिया के सवालों पर गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की 11 केंद्रीय जेल में सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला जेल और सब जेल में सीसीटीवी नहीं लगे हैं। गृह मंत्री ने आने वाले बजट में जेलों में सीसीटीवी लगाने की बात कही है। देखिए मध्य प्रदेश की जो 11 केंद्रीय जेल है उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जो जिला जेल और सब जेल जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम इस जो आने वाले बजट में हम इसकी व्यवस्था करवाएंगे और जिला जेल और उसके बाद उन जेलों में भी हम सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर बोले कि हाई कमान करेगी तय। प्रदेश अध्यक्ष वाली बात पर गृह मंत्री बोले कि ये सारे निर्णय पार्टी की हाई कमान तय करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही इस पर फैसला लेंगे। उन्होंने खुद को पार्टी का एक छोटा नेता बताया और पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी और दायित्व उन्हें मिलेंगे उन्हें पूरा करने की उन्होंने बात कही है। ये सब सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को करना है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ही अध्यक्ष हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को और आदरणीय राहुल गांधी जी को और हमारे जो बड़े राष्ट्रीय नेता है उन नेताओं को ये करना है। मैं समझता हूँ कि छोटे में बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, काम करते करते इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। जो पार्टी की जिम्मेदारी और जो लाइन मुझे जो मिलेगी उसका मैं ठीक ढंग से निर्वहन करूँगा, इस बात की मैं कोशिश करता आया हूँ और आगे जो निर्णय होगा उस पे मैं काम करूँगा। शिकायतकर्ता पहुँचे गृह मंत्री से मिलने। संयोगितागंज थाना प्रभारी की लापरवाही के चलते पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसी की शिकायत लेकर 3 महिलाएं गृह मंत्री से मिलने पहुंची। पीड़ित महिलाओं ने मीडिया को बताया कि संयोगितागंज थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर वो वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत कर चुकी है लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में उन्हें गृह मंत्री के पास अपनी शिकायत लेकर आना पड़ा। आपके बच्चों में कोई झगड़ा नहीं किया फिर भी आपकी एफआईआर नहीं। एक तो था ही नहीं, मेरा लड़का तो शादी में गया था।
उसके साथ कागज भी हमारे सबूत है हमारे कहने की वो लोग जो होटल में मिला था उसका तो आप वो लेके थाने में जाता तो टीआई क्या बोलते हैं सुनवाई होती है हमारी बोले कि दूसरी जगह आना बाद में आना उच्च अधिकारियों से मिले आप तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने कितने दिन हो गए आपको एफ आई आर लिखा हुआ एफ आई आर होगी आपकी उसकी आपके पास स्लिप है ठीक है। गृह मंत्री बाला बच्चन से मिलने के लिए खजराना से आए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने खजराना से निकलने वाले M9 रोड को लेकर आने वाली 20 संगतियों के बारे में गृह मंत्री को बताया। उनका कहना था कि इस रोड के निकलने से खजराना की आवाम का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा मकान भी टूट रहे हैं। इसमें कई लोगों के बेघर होने की संभावना है। जनसेवकों ने गृह मंत्री से मिलकर रोड में संशोधन की बात कही है। उनका कहना था कि यदि 140 फीट से छोड़कर यदि वहां पर 80 से 90 फीट रोड बनाने की बात कही। उनका कहना था कि इसमें लोगों को नुकसान कम होगा। इस मामले में गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। गृह मंत्री ने यह भी साफ कहा है कि जरूरत होगी तो ही MR9 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मुलाकात हमारी बहुत अच्छे से हुई। माननीय गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने कम से कम 5 मिनट हमें पूरे अच्छे से सुना। हमने मांग रखी खजराना में जो MR9 निकल रहा है उसमें वहाँ की आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा मकान टूट रहा है, कई लोग बेघर होने की संभावना है। उसमें हम चाहते हैं उस रोड में कुछ संशोधन किया जाए या उसको 140 फीट से छोड़ कर अगर 80-90 फीट बनाया जाएगा तो उसमें नुकसान कम होगा। और इस चीज़ का माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के भी मकान नहीं तोड़े जाएंगे। अगर ज़रूरत हुई तो MR9 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। BJP की परिषद है, परिषद ने जो मंजूर किया रोड वो कैसे रुकेगा? ये BJP की परिषद ने नहीं, ये मंजूर हुआ था विकास प्राधिकरण, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास प्राधिकरण की योजना थी, 134 नंबर की योजना थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 134 निरस्त हो चुकी है। अब जबकि उनकी योजना ही निरस्त हो चुकी, तो इस रोड को बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता। और खजराने में पहले से ही 3 बड़े बड़े रोड मौजूद हैं, बाईपास मौजूद है, खजराना रिंग रोड मौजूद है। इस रोड को बनाने के लिए अब मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ये सिर्फ अब पब्लिक को बेघर करने के लिए और एक नौटंकी के तहत जो काम हो रहा है, प्रशासन जो चाह रहा है, इस प्रशासन को हम नहीं करने देंगे। अब उस रोड को निरस्त करा कर ही दम लेंगे। वहीं द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला अपनी शिकायत लेकर गृह मंत्री से मिलने पहुंची थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके मकान पर कुछ अराजक तत्वों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया। रोते हुए महिला ने मीडिया को अपनी पीड़ा बताई। उनका कहना था कि उनके पति को भी झूठे दुष्कर्म के केस में फंसा दिया। बलात्कार का उसकी छोरी ने झूठा इल्जाम लगा के उसको अंदर भी कर दिया था। मेरे को ना आई थी, मेरे को ना आई थी। 8 साल तक उससे कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। अचानक गुंडे लाला के उसने बहुत सारी उत्पात मचा रखी है मेरे मोहल्ले में। मेरे मोहल्ले वालों ने भी उस थाने पर जाके गवाह दे के आए कि आए दिन यहाँ पर गाली के लोग उन लोगों को डराती धमकाती, मगर मेरे को DI बोलता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं मुँह टाके कि मेरे को है ना वो ला के दो तुम सबूत। अगर मैं ही सबूत लेके आऊँगी तो फिर आप लोगों का क्या वजूद है बताइए। आज गृह मंत्री जी से मिलने आए थे आप, तो क्या हुआ? मंत्री जी से मैं नहीं मिल पाई। आपका नाम बता दें। मेरा नाम स्वाति है। कहाँ रहती हैं आप? मैं इंदौर में रहती हूँ, मगर मेरे पास कहीं ठिकाना नहीं है रहने का। मेरे दो छोटे बच्चे हो ना, मगर सात साल का मेरा बेटा है। अच्छा, मकान था आपका वो? मेरा द्वारकापुरी में मकान था, खुद का था नहीं। मेरा खुद का मकान, उतना नाइटली नोटरी बना के उस मकान को तक बेचने की करी। ऐसे काम कर लिया, कब्जा कर लिया। आए दिन नए नए लोगों को लेके आती, मुँह पे कपड़ा बांध के पल्सरों पे आते सब जने, लड़ाई झगड़ा करते मोहल्ले में, गंदी गंदी गालियों का सहयोग
करते हैं वो, और सबको डराया धमकाया करते न्याय चाहिए। मैंने सब दूर बोल दिया, सब दूर चली गई। मैं एक जगह ऐसी नहीं, मगर मेरी कई सुनवाई नहीं। दिन पुरानी बात है, अभी दो महीने ही हुए उस बात को, दो भी नहीं, एक महीने 10 तारीख वो भी मेरे को पता नहीं, वो भी छुपे छुपे फिर रहते हैं। हम लोग सब छुपे छुपे रहते। गृह मंत्री बाला बच्चन से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने भी गृह मंत्री बाला बच्चन से चर्चा की। खजराना में बनने वाले अस्पताल को लेकर पटेल बोले कि अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन हो गया है। उनका कहना है कि भूमि मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भूमि पूजन कर देंगे। सत्यनारायण पटेल का कहना है कि अस्पताल को बनाने की राशि सैंक्शन है और अस्पताल का जल्द काम शुरू हो जाएगा। इंदौर से असलम खान के साथ कैमरामैन गुलाब यादव की रिपोर्ट। हम उसमें स्थानीय शासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी से मिले, प्रभारी मंत्री आज हमारे बाला बच्चन जी से मिले, कमिश्नर नगर निगम से मिले, और उन्होंने सबने हमने मिलकर जो वहाँ की जनता चाहेगी और वहाँ के जो लोग चाहेंगे और वहाँ के जो हमारे सभी वरिष्ठ जन जो चाहेंगे उसी के आधार पर हम फैसला लेंगे, यही आश्वासन ने दिया, ये मंत्री जी हमारे जयवर्धन ने दिया और यही हमारे मंत्री जी अपने बाला बच्चन जी ने। आपने चुनाव के समय पे वादा किया था कि खजराने को एक मैं भव्य अस्पताल दूंगा, मैं जीता तो वो हॉस्पिटल हम की ज़मीन का आवंटन संभव तो हो गया। हम कल कलेक्टर से जिलाधीश से मिले थे, दोनों ये साथी हमारे वहीं थे और हम मिलकर उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया कि हम आदेश दे चुके हैं और 2-3 दिन में कापी हम आपको दे देंगे। नोटशीट पर साइन भी हम कर चुके हैं, अलाटमेंट कर चुके हैं ज़मीन का, साथ ही आवंटन जैसे ही होगा तो हमारे तुलसी सिलावट जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे बात करके अतिशीघ्र उस काम भूमि पूजन की तारीख बनाने की राशि का इंतजाम। नहीं, बनाने की राशि तो ऑलरेडी सेंक्शन पहले से। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।